मित्र तोहिन सिन्हा जी, जिन्होंने इस किताब का मराठी में अनुवाद किया है, प्राजक्ता जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय कुकड़े जी, किटकुरु जी, मोनिका भगवागर, सभी उपस्थित सम्मान्य अतिथिगण, भाई और बहनों, तोहिन सिन्हा जी का मेरा बहुत पुराना परिचय है, क्योंकि मेरी भी दो किताबों का उन्होंने संकलन किया है, इंडिया इंस्पायर और इंडिया एक्सपायर, दोनों का भी उन्हीं के पास है। और अंग्रेजी में उन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अनेक दिनों तक उन्होंने मेरे साथ काम भी किया है। बहुत प्रतिभाशाली लेखक है, विशेष रूप से अंग्रेजी में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, और प्रोफेशनल भाषा में कहे तो उनके किताबें भी बहुत सी लोकप्रिय है, काफ़ी बड़ा वाचक वर्ग उनके लिए है, पर टीवी में भी अनेक कार्यक्रमों के द्वारा उनके इस स्किल का परिचय हम सबको हुआ है। इसके अलावा उन्होंने सीरियल्स के लिए भी लिखा है, एक बहुत प्रतिभाशाली यंग टैलेंटेड लेखक के रूप में मैं उनको जानता हूँ, और मेरे उनके बहुत घनिष्ठ संबंध रहे। समाजकारण और राजकारण दोनों में भी अपने मुक्त विचारों के आधार पर काफ़ी बातें वो पब्लिकली भी कहते और लिखते भी हैं। उनका विशेष रूप से संबंध जन्म जो है जमशेदपुर में हुआ, और झारखंड में वहाँ की परिस्थिति का काफ़ी अध्ययन करने का उनको मौका भी मिला है। आप सबको पता होगा कि पुराना झारखंड ये बंगाल का भाग था, और बिरसा मुंडा जी के बारे में काफ़ी उनकी जानकारियाँ बहुत कम लोगों तक पहुँची थी। उनका जीवन लगभग 25 साल में ही समाप्त हुआ था। विवेकानंद जी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, बिरसा मुंडा जी हो, इनके जीवन की आयु बहुत कम थी, पर अपने कम आयु में वो विशेष रूप से ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, आदिवासियों के लिए एक आइकॉन बने। विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ जबरदस्ती जो धर्मांतरण होता था उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई, और नौजवानों में एक नई विचारों की प्रेरणा निर्माण की, और इसलिए उनके जीवन से ही एक आइकॉनिक व्यक्तित्व के रूप में देश भी उनको स्वीकार करता है, और ट्राइबल कम्युनिटी में भी उनके प्रति बहुत आदर है। अंग्रेजों के खिलाफ वो बहुत हिम्मत के साथ लड़े, और उन्होंने काफ़ी बड़ा संघर्ष उस समय किया। एक क्रांतिकारक और देशभक्ति के लिए समर्पित भाव से उन्होंने जो काम किया था, और जो देशभक्ति की भावना उन्होंने प्रज्वलित की थी, वो एक देश का बहुत गौरवशाली इतिहास है। और आज स्वाधीनता के 75 साल हम पूरे कर रहे हैं, शुरुआत हो रही है उसकी, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसी 75 साल की शुरुआत में हमें देश को पहली बार ट्राइबल महिला राष्ट्रपति के रूप में मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अक्सर एक बात पर विश्वास रखते हैं कि जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानकर हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे, और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा वही हमारा सपना पूरा होगा, कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। और मुझे लगता है यही समाज में काम करने वाले अनेक संस्थाओं का उद्दिष्ट होता है कि समाज को गुणात्मक रीति से संपन्न कैसे करना, और इसी भाव से हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, ऐसे अनेक चीज़ों में बहुत काम करने लायक है, पर कहीं ना कहीं साइलोज में काम होता है। वी नीड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। अभी मैं
परसों ही यहाँ एक ट्राइबल कम्युनिटी ने बहुत बड़े प्रमाण पर एग्जीबिशन भी था और कार्यक्रम भी था, तो उस कार्यक्रम में गया था। तो अभी हमारे नागपुर के कलेक्टर एडिशनल कमिश्नर है ट्राइबल के, तो करीब 30-35 आदिवासी समाज के जो लकड़ी पे बहुत अच्छा काम करते हैं वो वहाँ थे। जब मैंने उनके प्रोडक्ट देखे तो उसकी क्वालिटी, उनका स्किल अच्छा था, पर लोगों की आवश्यकता और चॉइस क्या है ये विचार करके ही आपको काम करना होता है। तो मैंने उनको कहा कि आप ये मोनिका से, मिस्टर भगवागर से कांटेक्ट करिए, इनका जो है कि जो लकड़ी से काफ़ी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो उनको ऐसे कारागिर नहीं मिलते हैं और इन कारागिरों को काम नहीं मिलता। तो दोनों के बीच में जब कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो तुरंत अच्छे प्रोडक्ट भी बनेंगे, इनको भी मिलेंगे और उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो विवेकानंद जी ने अपने जीवन में कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और इसलिए बिरसा मुंडा जी के जीवन में भी वो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो कोशिश उन्होंने की, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ हिज पर्सनैलिटी। और इसलिए उसी के आधार पर विशेष रूप से जो हमारे देश में 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बहुत ही बैकवर्ड है, और अगर आज की भाषा में बोला जाए तो देश के जीडीपी ग्रोथ में और पर कैपिटा इनकम में बहुत निग्लिजिबल है, और जिसके कारण देश का विकास भी दिखता नहीं है। तो हम लोग अब ये सोचते हैं कि फॉरेस्ट, ये जनरली जो लोग हैं वो आदिवासी डिस्ट्रिक्ट्स हैं 120, और इसलिए वहाँ फॉरेस्ट है, जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ मिनरल्स है, पर मिनरल्स निकाल नहीं सकते क्योंकि फॉरेस्ट है, और दोनों के बीच में ना पानी है, ना बिजली है, ना रोज़गार है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल्स है। तो स्वाभाविक रूप से अभी गढ़चिरौली ज़िले में ही स्थिति ऐसी है, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से गढ़चिरौली ज़िले को मैंने दत्तक लिया हुआ है। ज़िले में मैंने पूरे रोड बना दिए, फ्लाईओवर, पुल, सब बना दिए, भी अच्छे हैं। एक समय मैं जब स्कूल में स्टूडेंट था, कॉलेज में, तो वहाँ नमक के बजाय लाल जो चिटिया होती है वो बारीक करके नमक के लिए खाते थे। अभी हमारे उस क्षेत्र में हमारा एक ट्रस्ट है, हम लोग 1200 स्कूल चलाते हैं और 1800 टीचर हैं, एकल विद्यालय। तो अभी उनका कार्यक्रम है, 10-12 दिन में कार्य, बड़ा कार्यक्रम होता है, 1800 टीचर, 4 दिन का ट्रेनिंग होता है उनका। तो वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि परसों ही आरोग्य विद्यापीठ नासिक का और गोंडवाना यूनिवर्सिटी सबने मिलकर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिया है, 10 पैरामीटर जो हेल्थ के, उसके आधार पर ट्राइबल सेक्टर में काम करना। अभी सिकल सेल, थैलेसेमिया बहुत बड़े प्रमाण पर है, पर उनमें अवेयरनेस नहीं है, और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तीनों दृष्टि से पिछड़ापन है, इकोनॉमी भी बहुत स्लो है। और इसलिए बिरसा मुंडा जो थे वो एक प्रकार के इस समाज के लिए आइकॉन थे। और जब मैं 2-3 दिन पहले, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल होता है, नया राष्ट्रपति बनने के बाद हर मंत्री उनको मिलने के लिए जाता है, तो मैं भी गया था, 10-1 मिनट का टाइम था, पर राष्ट्रपति जी ने मुझे 1.5 घंटा बिठा लिया, और वो मुझे पूछ रही थी कि ये कैसे बदलेगा, मेरे कारण तो अपेक्षा हो गई समाज की, अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सर्विसेस, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्री। तब मैंने उनको, मैं इसे में काम करते तो मुझे बहुत कल्पनाएं थी, तो मैंने उनको कहा कि टूरिज़्म जैसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे उससे रोज़गार मिलता है, 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोज़गार के लिए जाती है। वैसे बायोफ्यूल का मैंने उनको बताया, क्योंकि मैं 2004 से इसके पीछे पड़ा हूँ, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, ये नया रोज़गार पैदा कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये सब, आप फिर से आओ एक बार और मेरे लोगों के साथ बैठकर ये सब एजेंडा तैयार करके दो। तो ये बिरसा मुंडा जी का जो जीवन था, इसमें एक प्रकार से समाज की जो संस्कृति थी, जो कैरेक्टर था,
जो स्वभाव था वो कायम रखते हुए उनको ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान को भी उनके पास पहुंचाना होगा, बिकॉज नॉलेज इज द पावर। और मैं अक्सर सबको कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। पर नॉलेज इनटू वेल्थ ये अलग अलग प्रकार के फॉर्मुलेशन है। तो ट्राइबल के लिए जो है वहाँ की जो स्ट्रेंथ है, जो मटेरियल अवेलेबल है, उसके आधार पर क्या हो सकता है, इसमें बहुत सी कल्पनाएं योजनाएं भी हैं। मैं भी उसमें काम करता हूँ, मुझे बहुत रुचि है उसमें। तो मुझे आपको यही कहना है कि प्रभा खेतान फाउंडेशन एक कंस्ट्रक्टिव काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोशल, कल्चरल और इस सब कामों के लिए समर्पित है। मुझे भी एक कार्यक्रम में उनके जाने का मौका मिला। तो निश्चित रूप से बिरसा मुंडा जी के जीवन का जो उनका व्यक्तित्व था, कर्तृत्व था, नेतृत्व था, उसके आधार पर ट्राइबल लोगों में एक सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का जो उनका सपना था और जिसके बारे में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ये बहुत अच्छा तोहीन के किताब से मिल सकता है। तो मैंने उसको आज ही सुबह आया था तो मैं कह रहा था इसकी एक फिल्म बननी चाहिए। आजकल लोगों में किताब पढ़ने की बहुत कम ये रहती है, बहुत कम लोग अभी ज़्यादातर मोबाइल पर, लैपटॉप पर या टीवी पर ज़्यादातर ले लिए। बहुत अच्छा। तो आजकल ये मैं इससे ज़्यादा समझता नहीं हूँ क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर कोविड के कारण मैं भी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करने लगा। अब मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए मैंने यूट्यूब से मिलता है, मैं भाषण देता हूँ और मुझे उन्होंने बताया कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा मुझे सुनते तो मुझे पैसा मिलता है। तब मुझे ध्यान में आया कि ये ज़्यादा फायदे का है। तो, तो यही जो गरीब लोग हैं जिनका फंडामेंटल राइट है जीवन जीने का, उनकी मदद हम लोग करें। और दैट इज एग्जैक्टली द इंडिकेशन ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल सेंसिटिवनेस। और यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो किताब, ये जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी है, 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में बस्ती है, उनके जीवन को प्रेरणा दे सकती है। ऐसी बिरसा मुंडा जी का जीवन है और तोहिन ने बहुत इफेक्टिवली लिखा हुआ है। मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रभा खेतान फाउंडेशन के भी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।